फायर ऑफिसर से परमिशन ले ले तो आपको जाने देंगे। नहीं, वर्दी के बगैर आप ड्यूटी कर सकते हैं। लाइट जलो, लाइट उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। आपसे हमारी कोई जंग नहीं है, हम कोई जंग नहीं कर रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि मीडिया की सांगी पीछे हो जाए तो कवरेज हो नहीं सकती। आप हमारे घर में जो आपको पंजाब हुकूमत आप जो मीडिया वाले मेरे आप एक काम करें सांगी लाइट। ये ट्रालियां लगी हुई हैं और हम तकरीबन हो गया घंटे के करीब हो गया, हम कह रहे हैं कि हमें जाने दें, हमारी ये गाड़ी उन्होंने रोकी हुई है। DSNG ये नहीं है, बाकी DSNG हम आई हुई हैं और आगे नहीं जाने दे रहे। ट्रैफिक बंद है, पीछे फंसा हुआ है ट्रैफिक सारा, यहाँ से ट्रैफिक बंद, पीछे फंसे हुए पूरे, आपने ट्रैफिक बंद किया वहाँ पर भी पूरा आधे से ज्यादा वहाँ पर काफिला हमारा फंसा हुआ है। अभी क्या अपडेट है और क्या सूरत हाल है यहाँ? अभी हम यहाँ फूल नगर पे पहुँच चुके हैं, पतोकी पर हम पहुँच चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे तमाम रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए। काफले को मुश्किलात का सामना है और यकीनन ये कुछ और नहीं, ये सिलेक्टेड इस नाकाम नाअहल हुकूमत की तरफ से हथकंडी किए जा रहे इस पुरअमन जो अवामी मार्च है उसको रोकने के लिए। आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ के नहीं, ये शोकर है, इसके बाद के भी जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए, पीछे भी उस तरफ भी है, उस तरफ रोड बंद है, पूरा काफला पीछे फंसा हुआ है हमारे।
डी चौक के तरफ में ये रास्ता खुला हुआ था पब्लिक के लिए, इन्होंने कंटेनर लगा के ये भी बंद कर दिया। ये यहाँ से रास्ता बंद हो गया है, ये पब्लिक सारी अंदर यहीं से आई है, ये सारी पब्लिक। हम पुरमुन हैं, हमारे पुरमुन काफले को ना रोका जाए। हम पहले दिन से पुरमुन हैं, जमुरी लोग हैं, और ये आपकी नाकामी है कि हमारे काफले को रोका जा रहा है। आओ जियालो, आओ हमारे साथ चलो, और इंशाल्लाह हम फैजाबाद में धरना भी देंगे और अपनी मंजिल डी चौक पे भी जाएंगे। आप लोगों ने जानबूझ के रोड बंद करवाए, ये देखे पंजाब पुलिस रोड बंद करवाए। पंजाब की पुलिस इमरान खान को जेली तंजीम बना हुआ इस तरीके से। ये चेयरमैन साहब का कंटेनर रोक कर बैठे, रोड बंद करवाया है। बदमाशी है, हिम्मत नहीं है। वो जो कहता था 500 लोग धरना दे, मैं शाबाश। आप लोग ऐसा करें कि कोई ऐसी हरकत ना करें कि यहां कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए। आपका कौन है जिम्मेदार आदमी? आपका कौन है जिम्मेदार? आप इंतजामिया से, मैं उनको फिर इन तबाह करता हूं।